हेलो गाइस, वेलकम टू आवर हेल्दी एपेटाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट बटर चीज़ सैंडविच, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आते हैं। इसमें हमने पीनट बटर और चीज़ के साथ साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ की हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पीनट बटर चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए होल व्हीट ब्रेड। आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ। कुछ चीज़ स्लाइसेस, पीनट बटर, कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स जैसे ग्रेटेड कैरेट, चॉप्ड अनियन, ग्रीन कैप्सिकम और कैबेज, साथ में अमूल बटर, क्रश्ड ब्लैक पेपर और सॉल्ट एज पर आवर टेस्ट। चलिए अपने सैंडविचेस को बनाना शुरू करते हैं। चार सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने चार होल व्हीट ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इनमें से दो ब्रेड के ऊपर मैं चीज़ स्लाइसेस को रख रही हूँ। चीज़ स्लाइस रखने के बाद मैं इन पे एक एक करके सारी वेजिटेबल्स लगाऊंगी। जैसे सबसे पहले मैंने ग्रेटेड कैरेट लगाया है, इसके ऊपर मैं चॉप्ड कैबेज लगा रही हूँ। चॉप्ड कैबेज लगाने के बाद मैं इसके ऊपर चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम लगाऊंगी। आप येलो और रेड कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम लगाने के बाद मैं इसके ऊपर चॉप्ड अनियन लगा रही हूँ। जब मेरी सारी वेजिटेबल्स इनके ऊपर लग जाएंगी तो मैं इस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और सॉल्ट भी थोड़ा सा ही डालेंगे। सॉल्ट हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि चीज़ स्लाइसेस ऑलरेडी सॉल्टी होती हैं। अब दूसरी स्लाइसेस पे मैं पीनट बटर को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। पीनट बटर बहुत हेल्दी होता है। मैंने क्रंच वाला पीनट बटर यूज़ किया है। पीनट बटर लगाने के बाद मैं अपने फर्स्ट स्लाइसेस को, जिसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस और वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, इस पीनट बटर ब्रेड से कवर कर दूँगी। और आइए अब इनको सेकते हैं। इसके लिए मैंने ग्रिल पैन को गर्म कर लिया है। जब मेरा ग्रिल पैन गर्म हो जाएगा तो मैं अपने सैंडविच को रख के इसके ऊपर लगभग 2 मिनट के लिए रोस्ट कर रही हूँ। देखिए, मैंने 2 मिनट के बाद पलटा है तो कितना अच्छा कलर आया है। अब इसके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ। मैंने पहले बटर नहीं लगाया था। फिर से मैं इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी और अब इसको ध्यान से दूसरी साइड से मैं रोस्ट कर रही हूँ ताकि मेरे सैंडविचेस के ऊपर एक अच्छा सा पैटर्न आ जाए। और इस साइड भी मैं अच्छे से बटर लगा रही हूँ। अगर हम बटर ठंडे ब्रेड पे लगाते हैं तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता। फिर से 2 मिनट के लिए लगभग लो फ्लेम पे सेकने के बाद इसको फिर से फ्लिप करके सेकते हैं ताकि हमारी दूसरी साइड पे भी अच्छा सा पैटर्न आ जाए और हमारा क्रिस्पी सा पीनट बटर सैंडविच तैयार हो जाए। ये देखिए, हमारा पीनट बटर सैंडविच तैयार हो गया है। ऐसे ही करके हम अपना दूसरा सैंडविच भी बना लेते हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमें जितने सैंडविचेस बनाने हैं हमें उतने ही होल व्हीट ब्रेड लगेंगे। आप अपने सैंडविचेस को किसी भी शेप में, जैसे अगर आप चाहें तो रेक्टेंगल शेप में कट कर सकते हैं, इसकी और छोटे स्क्वायर पीसेस बना सकते हैं, और अगर आपको ट्राइंगल शेप पसंद है तो अपने सैंडविचेस को ट्राइंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। मेरे बच्चों की प्लेट से तो सैंडविच झटपट से गायब हो जाते हैं। आई एम श्योर आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये बहुत पसंद आएंगे क्योंकि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। इसमें पीनट बटर का प्रोटीन और फैट तो है ही, साथ में चीज़ का कैल्शियम भी है और वेजिटेबल्स के मिनरल्स और विटामिंस भी, जो इसको एक कंप्लीट बैलेंस डाइट बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे अमेजिंग और हेल्दी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन, ईट गुड, फील गुड एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।